हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस गिरी और आप देख रहे हैं पीके यानी प्रिंस भाई के जीके। यदि किसी ने कोलकाता का उल्लेख किया है तो पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वह हावड़ा ब्रिज है। कोलकाता भ्रमण के लिस्ट में जो सबसे प्रमुख स्थान होता है वह हावड़ा ब्रिज ही है। यह ब्रिज कई कारणों से पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके कई रोचक तथ्य है जिन्हें सुनना और पढ़ना पसंद किया जाता है। यहाँ हम आपको हावड़ा ब्रिज के बारे में आश्चर्यजनक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी देंगे जो शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे। हावड़ा ब्रिज एक कैंटिलीवर पुल है जो पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी पर बनाया गया। यह ब्रैकेट ब्रिज एक कैंटिलीवर का उपयोग करके बनाया गया। सामान्य कोई भी ब्रिज कई खंभों पर टिका होता है, लेकिन एक ऐसा पुल है जो केवल 4 खंभों पर टिका हुआ है, 2 नदी के इस तरफ और 2 नदी के उस तरफ है। इस पुल के निर्माण के लिए तत्कालीन बंगाल सरकार के द्वारा पारित किया गया, जिसे हावड़ा ब्रिज एक्ट 1926 के नाम से जाना जाता है। बहुत कम लोगों की जानकारी होगी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों द्वारा इस ब्रिज को नष्ट करने की कोशिश की गई थी, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। 14 जून 1965 को महान राष्ट्रीय कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर पुल का नाम बदलकर रविंद्र सेतु रखा गया। हालांकि यह अभी भी हावड़ा ब्रिज के नाम से अधिक लोकप्रिय है। इस पुल से प्रतिदिन लगभग 1 लाख वाहन एवं लगभग 15,000 पैदल यात्री हुगली नदी को पार करते हैं, जो पश्चिमी बंगाल के 2 प्रमुख शहरों कोलकाता और हावड़ा को जोड़ता है। पुल का उपयोग करने वाला पहला वाहन ट्रामा था। इसके निर्माण के समय यह तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर पुल था। अब यह दुनिया में अपने प्रकार का 8वां सबसे लंबा पुल है। कोलकाता पोस्ट ट्रक को प्रत्येक वर्ष पक्षियों के मल एवं पैदल यात्रियों को थूकने से ब्रिज को होने वाली क्षति और गंदगी की सफाई के लिए लगभग 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। साथ ही पुल को पेंट करने में लगभग 6.5 मिलियन और 26,500 लीटर पेंट की आवश्यकता होती है। हावड़ा ब्रिज के निर्माण में लगभग 26,500 टन स्टील की खपत हुई थी, जिसकी आपूर्ति टाटा स्टील द्वारा की गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि हावड़ा ब्रिज ने लगभग हर दौर के फिल्म निर्माताओं को आकर्षित किया है। इसमें कई पश्चिम बंगाल के लोगों में इस पुल का एक विशेष महत्व है। साथ ही पूरे विश्व में अपनी बनावट के लिए विख्यात है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस पुल को स्वच्छ और सुरक्षित रखने में प्रशासन की सहायता करे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। इस वीडियो के माध्यम से आपको हावड़ा ब्रिज से जुड़े कुछ रोचक तथ्य पता चल गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।